देखिए, दिनांक 16-17 की रात्रि में एक घटना हुई थी थाना भगतपुर क्षेत्र में, जिसमें बादी कमरुद्दीन ने सूचना दिया था कि उनके जो भाई है उनकी किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है और उनकी जो डेड बॉडी है वो खेत में, खेतों के बीच में जो खड़ंजा बना हुआ है वहाँ पे मोटरसाइकिल और डेड बॉडी वहाँ पे उनकी मिली थी। इसी पे तत्काल थाना भगतपुर की टीम क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा और SPRA साहब के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें एक नामजद तहरीर पर 4-5 लोगों के विरुद्ध इसमें प्राथमिकी हुई थी परिजनों के द्वारा। पुलिस ने, चूँकि घटना में कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे, पुलिस ने इसमें टीम बना के और इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की और इसमें आज 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अलीम है, अलीम बेग पुत्र तस्लीम बेग, ये थाना मल्लूपुर थाना भगतपुर के रहने वाले हैं, ग्राम मल्लूपुर के। एक नाहिद पुत्र सपात का है, ये ग्राम मल्लूपुर थाना भगतपुर के रहने वाले हैं, और आदिल पुत्र खलील निवासी जमींदारान थाना भोजपुर जनपद के रहने वाले हैं। ये जो मृतक है ये बेसिकली थाना भोजपुर के रहने वाले थे और भगतपुर और भोजपुर के बॉर्डर पर इनका एक बगीचा था जिस पर ये रात्रि में अक्सर सोने जाते थे और उस दिन भी ये ऐसे ही घर पे बता के गए थे कि मैं बगीचे पे जा रहा हूँ। और उसके बाद में सुबह इनकी डेड बॉडी मिली। हम लोगों ने जब इसमें पूरी जांच पड़ताल किया गया तो इसमें जो अलीम नाम के जो व्यक्ति है इसके बारे में जानकारी मिली कि इसके द्वारा इस घटना को प्लान बना के किया गया है और इसमें आदिल और नाहिद इन दोनों का भी साथ है। आदिल इसके जो चचेरे भाई हैं उनका लड़का है और इनकी जो एक मकान में करीब 12-15 साल पहले रियायुद्दीन के पास में काफ़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी मकान हैं, तो इन्होंने एक मकान इनको किराए पर दे रखा था जिसमें कि 12-13 साल से रह रहे थे और बादी जो मृतक है वो इसको खाली कराना चाहता था, लेकिन जो आदिल और इसके जो परिजन है वो मकान को खाली नहीं कर रहे थे और इससे पैसे की लेन देन की बात चल रही थी कि तुम 15 लाख रुपये ले लो और ये मकान हमको दे दीजिए, लेकिन इनके द्वारा मना कर दिया गया कि आप पैसा भले मेरे से ले ली लेकिन मेरा मकान आप खाली कर दीजिए। इसी पर इन लोगों ने, फिर जब इन्होंने मकान जब नहीं दिया है तो इन्होंने अलीम को ये काम सौंपा और अलीम के माध्यम से इन्होंने इसको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की जो घटना है उसको पूरी प्लान तरीके से इसको पहले बुलाया गया और बुला के से बातचीत की गई। जब ये नहीं माना तो ईंट के द्वारा प्रहार करके इनके सिर पर पहले इनको घायल किया गया और उसके बाद में जो इनके पजामे को जो बांधने की जो रस्सी होती है डोरी उसी से इनका गला घोट के हत्या की गई और उस हत्या को फिर एक तरीके से लूट और इस तरह का तरीके से दिखाने के लिए इन्होंने पहले इसको मार के और फिर उसकी मोटरसाइकिल है उसको भी डेड बॉडी के ऊपर रख दिया और फिर घटनास्थल से ये सब लोग वहाँ से फरार हो गए। आज ये 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे। और लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।